हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 16 यमराज की दीक्षा कविता का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। इस कविता के कवि 1936 में गांव जैलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा PhD सागर विश्वविद्यालय सागर से। 68 हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य में संबद्ध रहे। देवताले जी की प्रमुख कृतियाँ है हड्डियों में छिपा ज्वार, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में, और कई चंद्रकांत देवताले का जन्म सन। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों, निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडम्बनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वही मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता विदेशी भाषाओं में हुए हैं और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। उनकी भाषा शैली कवि देवतालों ने अपने काव्य में सामान्य बोलचाल की सरल और सुगम भाषा का प्रयोग किए हैं। इसमें तत्सम शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग है। बात को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कथ्य शैली का प्रयोग किया है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अब सुकून के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। जताती यानी बताना, विश्वास पूर्वक कहना, बर्दाश्त करना यानी सहन करना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं कि उसकी माँ और यमराज की मुलाकात हुई थी या नहीं कहना कठिन है, पर वह इतने विश्वास से कहती है कि जैसे वह ईश्वर से मिलकर उसकी सलाह से कम करती है, वह उसी सलाह के आधार पर दुख सुख से बचने के उपाय खोज लेती है। इससे लगता है कि माँ अपने जीवन में ईश्वर के बताए रास्ते का ही अनुसरण करती है। नेक्स्ट है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यमराज का मतलब होता है मौत का देवता। क्रुद्ध करना, नाराज करना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं कि बचपन में उनका माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी मत सोना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। यमराज मृत्यु का देवता है। यमराज को क्रुद्ध करने का अर्थ है मौत को दावत देना। यमराज को नाराज करने में बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि उस समय छोटा था जब उसने यमराज के घर का पता पूछा था। इससे कवि की बाल सुलभ चेष्टा कह सकते हैं। माँ ने बताया था कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज रहता है। इसका व्यंग्य का भाषा शैली सरल, सहज और खड़ी बोली है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना,
तो यमराज का घर देख लेता। समझाइश का मतलब सीख, शिक्षा। फायदा मतलब लाभ, मांग लेना यानी पार करना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं कि माँ की सलाह के बाद वह दक्षिण की ओर पैर करके कभी नहीं सोया। इसके बाद कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में फिर कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ की सीख हमेशा याद रही। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और माँ की कही बातें हमेशा याद रही। कवि का मानना है कि दक्षिण को पार करना संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं है। यदि इस दिशा का अंत होता तो कवि यमराज का घर देख लेता, उसे यमराज का पता मिल जाता। राज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही है जो माँ जानती थी। आलीशान मतलब शानदार, भव्य। दहकती यानी जलती हुई। विराजते यानी रहते। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चंद्रकांत देवताले जी सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी एक दिशा तक सिमट कर नहीं रह गई है। आज जिधर भी पैर करके सो वहीं यमराज की दिशा बन जाती है। हर तरफ जिंदगी के लिए खतरा है। जीवन के लिए खतरा बने लोग हर दिशा में मौजूद हैं। वे अपनी अंगारे उगलती आंखों से आम आदमी का शोषण करने को तैयार बैठे हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं या अगर आप लोग क्लास 9 के सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।